नमस्कार दोस्तों, साल 1991 जब इंडियन मार्केट विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, विप्रो, नाइकी, सब्बे, केएफसी, बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड जैसी सैकड़ों कंपनियां इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी जो फ्रेंचाइजी के माध्यम से इंडियन मार्केट में इस्टेब्लिश होने की कोशिश करती हैं। फ्रेंचाइजी एक ऐसा वर्ल्ड जिसने बिजनेस के फील्ड में इंडियन स्टार्टअप का फ्यूचर चेंज कर दिया। वर्तमान में भी अनेक कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट कर रही हैं और स्वयं फ्रेंचाइजी के नाम पर यह आपको कंपनी का नाम, लोगो, ट्रेडिंग और लैंड स्वयं उपलब्ध कराती हैं और कुछ परसेंट चार्ज करके आपको फ्रेंचाइजी का मालिक बना देते हैं। क्या यह कंपनियां खुद स्टाफ हायर करके इन फ्रेंचाइजी को खुद नहीं चला सकते? क्या कारण है कि ये कंपनियाँ फ्रेंचाइजी चैन को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? और आइए इस वीडियो में समझते हैं कैसे इन कंपनियों ने फ्रेंचाइजी के नाम पर रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा कर लिया। एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ₹60 करोड़। आई आल्सो 1000 फ्रेंचाइजी की ओर से बनीपार्क स्थित एक होटल में एक्सपो का आयोजन किया। मोस्ट इनोवेटिव फ्रेंचाइज बिजनेस इन द सर्विसेज सेक्टर गोज टू बिग वी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। आप मदर डेयरी फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए ये जान लीजिए। दिस वुड आल्सो इनेबल आवर थिंकिंग that how can we make our franchise systems ready for the world. फ्रेंचाइजी शब्द एंग्लो फ्रेंच के शब्द फ्रेंक से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। मतलब फ्रेंचाइजर आपको अपने कंपनी के बिजनेस करने की स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंट बिजनेस मॉडल, प्रॉपर्टी, कंपनी का नाम और लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जिसके बदले आपको फ्रेंचाइजर को कुछ भुगतान करना होता है। इन भुगतान के रूप में फ्रेंचाइजर आपसे फ्रेंचाइजी फीस, सर्विस चार्ज, लैंड चार्ज, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन चार्ज, इन सब को मिलाकर फ्रेंचाइजी स्टोर से लगभग सेल का 10-15% चार्ज करते हैं। माना जाता है फ्रेंचाइजी की शुरुआत अमेरिका के बिजनेसमैन जॉन एस पेम्बर्टन के द्वारा की गई, जिसने गुड, शुगर, स्पाइस एंड कोकीन से एक ड्रिंक तैयार की, जिसको अमेरिका के कुछ लोगों को सेल करने का अधिकार दिया गया। कालांतर में यही ड्रिंक कोको कोला के नाम से फेमस हो गई। इसमें अगला नाम मिलता है 1902 में लुइस के लेगेट द्वारा शुरू की गई एक ड्रगिस्ट कंपनी, जिसमें लगभग 40 लोगों के एक समूह ने लगभग $4,000 एकत्रित करके एक रेक्सोल नामक कंपनी बनाई, जो आगे चलकर रेक्सोल एक फ्रेंचाइजर बन गया। जैसे ही लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट हुए तो मैन्युफैक्चरों ने व्यक्तियों को ऑटोमोबाइल, ट्रक, गैसोलीन, सॉफ्ट ड्रिंक और कई अन्य उत्पादों को बेचने के लाइसेंस दे दिए। अब आइए इस पर आते हैं कि कंपनियों को इससे फायदा क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है तो वह कंपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को अपनाती है, क्योंकि वह इसके द्वारा जल्द से जल्द देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सकती है। कंपनियों द्वारा फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रेफर करने का कारण है, जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़े अमाउंट और मैन पावर की आवश्यकता होगी, लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करके कंपनी कम लागत में बिजनेस को बड़ा कर सकती हैं। और कंपनी को हर जगह के मार्केट की नॉलेज नहीं होती है तो कंपनी फ्रेंचाइजी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को चूज करती है जो वहाँ लोकल मार्केट की अच्छे से समझ रखता हो, जैसे वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, लोगों के खरीदने की क्षमता कैसी है, और इन चीज़ों का कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए फ़ायदा मिलता है। और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मजबूत बन जाता है, जिससे वह बड़ी आसानी से अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकती है। और बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने की जिम्मेदारी भी फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की होती है। आज फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनियां रियल एस्टेट के रूप में भी अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, क्योंकि हर चौराहे, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के कॉर्नर की कीमती प्रॉपर्टी इन कंपनियों की है, जो रेंटल पर फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कराते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार मैकडोनाल्ड रियल एस्टेट बिजनेस में छठे स्थान पर पहुँच गई। आज सैकड़ों कंपनियां अपने साथ फ्रेंचाइजी के रूप में बिजनेस करने का ऑप्शन देती हैं, जैसे नाइकी, सब्बे, पतंजलि, पिज्जा हट, मैकडोनाल्ड, जॉकी, अमूल आदि अनेक कंपनियां हैं। अब एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को लेकर समझते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कंपनियों के लिए कितना प्रॉफिट का है। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके बर्गर ने दुनिया को दीवाना बना दिया, जो देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्तरां चेन बन गई, जो अपने मजेदार खाने से ज्यादा अपने लोगों से पहचानी जाती है। 1940 में एक छोटे से रेस्तरां से शुरू हुआ मैकडोनाल्ड देखते ही देखते फास्ट फूड इंडस्ट्री का ब्रांड बन गया,
जिसके द्वारा लोगों को 100 बिलियन से ज़्यादा बर्गर बेचे जा चुके हैं। मैकडोनाल्ड वर्तमान में दुनिया के 122 देशों में 40,000 से अधिक आउटलेट चला रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी रेस्तरां कंपनी का खिताब रखती है। इसका विस्तार कितना तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर 4 घंटे में कहीं ना कहीं एक नया मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट खुल रहा है। 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मैकडोनाल्ड 40,031 रेस्टोरेंट में से 37,295 यानी 93.16% रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी के रूप में थे। 2021 में मैकडोनाल्ड का कुल रेवेन्यू $23.2 बिलियन था, जिसमें से कंपनी द्वारा संचालित 7% रेस्टोरेंट से रेवेन्यू $9.7 बिलियन था, जिसमें से $8 बिलियन एक्सपेंस था, और कंपनी द्वारा संचालित रेस्टोरेंट से नेट प्रॉफिट $1.7 बिलियन ही था। दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित 93% रेस्टोरेंट ने $13 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। इन आउटलेट को चलाने के लिए कंपनी का कॉस्ट $2.3 बिलियन थी, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट $10.7 बिलियन का हुआ। अगर हम फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड रेस्टोरेंट को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंचाइजी द्वारा जनरेट रेवेन्यू में से $6.8 बिलियन मैकडोनाल्ड को सिर्फ किराए द्वारा मिले और $3.8 बिलियन फ्रेंचाइजी रॉयल्टी सोल्ड आउट से आए। अब इस चीज़ को समझते हैं कि कंपनी को एक फ्रेंचाइजी ओपन करने में कितना इनकम होती है। प्रेजेंट में कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस $45,000 है। 3 मंथ का बेस्ट रेंट यानी किराया $31,000, जो डिपेंड करता है वहाँ की लोकेशन के अनुसार, या टोटल सेल का 31.75% है। सर्विस चार्ज सेल का 4% तथा एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन फीस लगभग 4% है। मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी आधारित रेस्तरा विशाल कंपनी है। इसके पास जो किराया आता है उसका अधिकतम हिस्सा वह अपने न्यू एसेट एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए करता है। मैकडोनाल्ड S&P 500 शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें मैकडोनाल्ड के डिविडेंट लगातार 4 दशक से हर साल बढ़ता जा रहा है। इसने पहला डिविडेंट 1976 में प्रोवाइड किया था। अब बात करते हैं इसकी फ्रेंचाइजी लेने की, जिसमें लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। इंडिया के मामले में फ्रेंचाइजी देखें तो इंडिया में कंपनी सीधे तौर पर कोई फ्रेंचाइजी नहीं देती है। इसने इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी हार्ड कैंसिल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करती है, जिसके वाइस चेयरमैन अमित जाटिया हैं। तथा उत्तर पूर्व में फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको बिक्रम बक्सी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से संपर्क करना होगा। मैकडोनाल्ड कंपनी 4 प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, इसकी लोकेशन के अंदर फूड कोर्ट, स्टैंडिंग भवन, स्टोर फ्रंट जैसी जगह आती हैं। यह 20 ईयर के लिए प्रोवाइड करती है। सेकंड सैटेलाइट लोकेशन, जैसे एयरपोर्ट, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि जगहों पर। थर्ड STO एंड STOR, यह अधिकतम पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होते हैं। कंपनी इनको 10 ईयर के लिए प्रोवाइड करती है। फोर्थ फ्रेंचाइजी, यह लीज में दी जाती है, जो अधिकतम 3 ईयर के लिए होती है। दोस्तों, फ्रेंचाइजी मॉडल की आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह मार्केट में कितना सक्सेस है। आज हर कंपनी अपना बिजनेस मॉडल बड़ा करना चाहती है और कम इन्वेस्ट में और जल्दी से जल्दी बिजनेस को बड़ा करने के लिए फ्रेंचाइजी एक आसान मॉडल है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक और नए टॉपिक के साथ। हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।